हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के हमारे इस टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज में ये 27th नंबर का प्रैक्टिस सेट है और आज हम EVS के टॉप 30 क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं, जिनमें आपके प्रीवियस पेपर सीटेट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं और आप देखेंगे कि किस तरह का लेवल आपके पेपर में पूछा जाता है। तो खास करके अभी हम सीटेट को ध्यान में रखते हुए ही इन क्लासेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए और मस्त मस्त आपके बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर के आती हूँ। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। आपको साथ साथ अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल भी डेवलप करना है दोस्तों इन क्वेश्चंस को करके, क्योंकि आप जानते हैं सीटेट में 15 क्वेश्चंस तो सिर्फ और सिर्फ पैडागोजी के आ जाते हैं हर एक विषय में। तो अगर आप इसको, आपकी समझ विकसित हो जाती है तो ये 15-15 करके मान के चलिए 75 नंबर, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चंस पैडागोजी के, तो 75 नंबर आपसे सिर्फ और सिर्फ पैडागोजी को सही करने से गेन कर सकते हैं अगर आपकी पैडागोजी अच्छी है। पहला क्वेश्चन देखो, NCERT EVS में NCERT का जो आपका पोर्शन पूछा जाता है वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्या की पूछा है क्वेश्चन में, नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। ये कुछ कर्तव्य बताए गए हैं 5 और पूछा है कि निम्नलिखित में से माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां कौन कौन सी है उनका चयन करें, यानी इन 5 में कौन सी एक ग्रुप लीडर होने की जिम्मेदारी होती है वो आपको इसमें बताना है। तो ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, NCERT की बुक में ये टॉपिक आपका दिया गया है, कमर सीधी ऊपर चढ़ो, इस नाम से ये चैप्टर है आपको NCERT में। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि ग्रुप लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होती है, ताकि इससे मिलते जुलता भी प्रश्न अगर आए तो आप उसको आसानी से कर ले जाएं। जैसे दोस्तों, बाकी सभी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये एक कर्तव्य होता है ग्रुप लीडर का। तो ऑप्शन ए सही है, बिल्कुल। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, तो ये बिल्कुल सरासर गलत ऑप्शन है। बल्कि एक ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी तो ये होती है कि पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने के बाद ही ग्रुप लीडर चलता है, यानी सबके पीछे चलता है ताकि कोई भी उसके ग्रुप का सदस्य पीछे ना छूट जाए। तो बी तो गलत हो गया। तीसरा देखो, जो चल नहीं पाए उसे रुकने को कहना। तो कैसे कह सकते हैं आप रुकने को? आपको लगेगा कि ये ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन नहीं ठीक है, क्योंकि अगर जो थक गया है, जो नहीं चल पा रहा है, अगर आप उसको रुकने के लिए कहेंगे तो क्या होगा? तो वो सदस्य पीछे छूट जाएगा और ग्रुप आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं करना है, पूरे ग्रुप के चलने के बाद ही एक ग्रुप लीडर को चलना है, तो उसके लिए उसको रुकने के लिए नहीं कहना। तो आप कहेंगे कि मैम ये कैसा बर्ताव है, अगर कोई चल नहीं पा रहा है तो उसे रुकने के लिए नहीं कहना। तो फिर क्या करना है? तो आपको उसकी मदद करनी है, उसका हाथ पकड़ के उसको चढ़ाना है, आगे चलाना है, ठीक है, जो चल नहीं पा रहा है। तो ये होती है उसका उत्तरदायित्व। सीधी ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा देखो, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करना, ये एकदम सही है, ये भी एक जिम्मेदारी है ग्रुप लीडर की। पांचवा है, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना पूरे ग्रुप के लिए, तो ये भी एक आप कह सकते हैं उत्तरदायित्व है ग्रुप लीडर के होने का। तो कौन सा ऑप्शन इसमें हो जाएगा, पहला, चौथा और पांचवा? कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में पहला, चौथा और पांचवा एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट एक भाग है किसका? तिब्बत का, नेपाल का, म्यांमार का या फिर भारत का? ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, भारत का ये भाग नहीं है। माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि नेपाल में स्थित है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट का को अन्य नाम से जाना जाता है, जो कि सागर माथा के नाम से नेपाल में इसको जाना जाता है, कई बार आपसे पूछ लेता है। और इसके अलावा दोस्तों, आपको यहाँ पर एक और चीज़ बहुत अच्छे से जाननी है कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो आपकी NCERT की बुक के अनुसार 8,900 मीटर है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली
पहली भारतीय महिला कौन सी है? पहली भारतीय महिला बिल्कुल आपके एग्जाम में आता है, पहली भारतीय महिला कौन है जो कि माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ी थी? तो उनका नाम है दोस्तों बछेंद्री पाल। क्या हो जाएगा? बछेंद्री पाल वह महिला है, पहली भारतीय महिला है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है, याद रख पाएंगे आप? बिल्कुल दोस्तों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था कि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर है 110 मीटर के। क्या बताया इन्होंने कि 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के बराबर है। आगे पूछा है कि यदि मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उन स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या हो जाएगी? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने बताया 1 सेंटीमीटर बराबर है 110 मीटर के, तो फिर 15 सेंटीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? उसके लिए हमें 110 मीटर से 15 सेंटीमीटर की गुना करनी होगी, तो हमें 15 सेंटीमीटर का मान पता चल जाएगा जो कि 1650 क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 1650 मीटर में तो यहाँ नहीं दिया गया है, कहाँ दिया गया है? तो इस ऑप्शन को दोस्तों यहाँ पर किलोमीटर में दर्शाया गया है, 1.65 किलोमीटर। तो 1650 मीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर और 650 मीटर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पारितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। उत्पादक एवं ऊर्जा, उपभोक्ता एवं खनिज चक्र, या उत्पादक एवं खनिज चक्र, या ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र। इसका सही जवाब क्या होगा? तो गतिक हृदय कहलाता है परितंत्र का, वो हो जाएगा आपका ऊर्जा प्रवाह एवं खनिज चक्र। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा ये है आपसे अगले प्रश्न में कि मोटर वाहनों में अपूर्ण दहन के कारण प्रदूषण होने का क्या कारण है, या कौन सी गैसें हैं जो निकलती है जब ईंधन जो है वो अपूर्ण दहन होता है, उसका मतलब पूरी तरह से नहीं जलता है मोटर वाहनों में। तो कौन सी निकलेगी? CO2, SO2, या CO2 या और CO, या फिर केवल SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड और मोनोऑक्साइड। जवाब दीजिए 125 का एकदम सही जवाब क्या होगा। 3 सेकंड है आपके लिए दोस्तों। जब मोटर वाहनों में ईंधन अपूर्ण दहन होता है तो उसके कारण कौन सी गैसें निकलती है जिनसे प्रदूषण बढ़ता है? तो इसका सही जवाब आप बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है? वैश्विक तापन क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए इनमें से कौन जिम्मेदार है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर सभी? ठीक है, बताइए क्या होगा। आप कहेंगे कि मैम आपने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती है, लेकिन बाकी ये जो गैसें हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, है ना, ये सभी जिम्मेदार है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन है तो तब आप CO2 लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अलग है, इसमें पूछा है कौन कौन सी गैसें जिम्मेदार है, तो ये सारी की सारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? अम्ल वर्षा में उपस्थित है HNO3, H2SO4, CH3COOH, या फिर ए व बी ऑप्शन दोनों। तो सही जवाब जल्दी से चूज करिए, क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। इसमें HNO3 और H2SO4 दोनों ही उपस्थित रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ध्यान से पढ़ के आपको फटाफट से इसका आंसर करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्जाम में न जाने कितनी बार ये पूछा जा चुका है। पूछा क्या है इस क्वेश्चन में कि भारत में वन संरक्षण कानून किस वर्ष बना था? याद रखिएगा, अगर याद नहीं है तो आज के बाद आपको ये भूलना नहीं है। ऑप्शन ए है 1950 में, 1960 में, 1970 में, या 1980 में? जवाब दीजिए क्या हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 1980। ठीक है, वन संरक्षण कानून 1980 में बना था, याद रख पाएंगे? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
संवाहनिक वर्षा कहाँ होती है? विषुवतीय रेखीय प्रदेश में, ध्रुवों पर, या शीतोष्ण कटिबंध प्रदेशों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या कहाँ पर होती है संवाहनिक वर्षा? तो सही जवाब जल्दी से दीजिए, 3 सेकंड का समय आपके पास है दोस्तों। और एक बार फटाफट से क्लास को लाइक और अपने सभी दोस्तों के पास इस लिंक को कॉपी करके भी शेयर कर दीजिए, जो भी आपका दोस्त सी टेट की तैयारी अभी कर रहा है, ठीक है, या कर रही है, उन सभी के पास आपको ये क्लास शेयर करनी है। तो क्या होगा यहाँ पर सही जवाब? संवाहनिक वर्षा जो है वो विषुवत रेखीय प्रदेश में होती है। एकदम सही है ऑप्शन ए। आगे चलो, ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका फिर से NCERT का क्वेश्चन फिर आ गया है और आपको ध्यान से देखना है और आंसर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाए, अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में पड़ता है। तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते हुए मिलेंगे? तो ये आपको दोस्तों, जब मैं NCERT के नोट्स पढ़ाऊंगी, EVS का पोर्शन कंप्लीट कराऊंगी, तो तब मैं आपको बताऊंगी कौन से रेलवे स्टेशन पर कौन से खाने की वस्तुएं मिलती है, जो कि आपके पेपर में भी पूछी जाती है। तो आपको बताना है अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आपको क्या मिलेगा खाने को? छोले भटूरे मिलेंगे, उसके साथ लस्सी, या इडली चटनी, या बड़ा चटनी, पूरी साग, उसके साथ ठंडा दूध, या ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। तो सही जवाब यहाँ क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों, अभी के लिए आप इसको ऐसे ही याद रखिए, क्योंकि जब मैं आपको ये चैप्टर कवर कराऊंगी तो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी सभी जगह की चीज़ों का, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगी। तो इसका सही जवाब है, आपको अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर ढोकला चटनी नींबू वाले चावल मिलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देती है, आपने देखा होगा, आप फूल के अंदर बीच में देखेंगे, जैसे ये मान लीजिए फ्लावर है आपका, ठीक है, पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझी है क्या, अपन फायर है फायर, ये डायलॉग तो सुना होगा लेकिन इसका इससे कोई संबंध नहीं है। तो आपने देखा होगा कि फूल के बीच में ऐसे ऐसे क्या होते हैं, उन पराग कणों के ऊपर ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, पाउडर पाउडर जैसा दिखाई देता है, तो उसको क्या बोलेंगे? पराग बोलेंगे, मूलांकुर बोलेंगे, वर्तिकाग्र बोलेंगे, या पराग कोश बोलेंगे? तो मैंने आपको समझाते समझाते ही आंसर मेरे मुंह से निकल गया है, तो आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो आप अभी पकड़ लेंगे क्या बोला मैंने। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको पराग बोलते हैं, पराग कण या पराग बोलते हैं, ठीक है, इनको पराग कहते हैं। जो छोटे छोटे पाउडर जैसी संरचना आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो कोई भी फूल देखो ध्यान से, उसमें ऐसे ही आपको मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर से आपका NCERT का क्वेश्चन आ गया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका NCERT से ही लिया गया है। हाथियों के झुंड के बारे में सही कथनों को आपको चुनना है। चार ऑप्शन है, एक बार आप देख लो, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगी कि कैसे इसका सही जवाब कौन सा और क्या होने वाला है। ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? ऑप्शन ए में आपसे बोला है कि हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और 14-15 वर्ष के बच्चे रहते हैं। क्या ये बात सही है? क्या कोई मेल हाथी उसमें नहीं होता, केवल छोटे बच्चे होंगे और सिर्फ हथनियां होंगी? क्या ये बात सही है या फिर गलत है? अगला ऑप्शन भी देखो, जब तक अगले ऑप्शन में क्या कहा गया है, हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, एक ही परिवार के सदस्य होंगे सारे के सारे पूरे झुंड में, है ना। अगला ऑप्शन है कि झुंड के सभी बुजुर्ग हथनियां ही पूरे झुंड की नेता होती है। और चौथा ऑप्शन है, एक झुंड में हथनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो देखो, अब इसको हमने करना है एलिमिनेट, ठीक है। 132 क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, जिसमें हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं, एकदम सही है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही परिवार के सदस्य उसमें शामिल हो। सबसे झुंड बुजुर्ग हथनी ही झुंड की नेता होती है, एकदम बात सही है, लेकिन झुंड कितनी भी संख्या हो सकती है, ये बिल्कुल गलत है ना। मैं अभी बताती हूँ कितनी संख्या होती है और क्या क्या इसके बारे में और जानने के लिए आपके लिए बच जाता है, वो भी यहीं पर मैं आपको बताती हुई चलूंगी। सबसे पहले तो मैं दोस्तों आपको ये बता दूँ कि हाथी को जो है पसीना नहीं आता, पसीना नहीं आता, ये भी पूछ लिया जाता है आपसे, पसीना नहीं आता किसको?
हाथी को। इसके अलावा एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। बिल्कुल ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, एक बड़ा हाथी 100 किलो से ज़्यादा एक दिन में पत्ते झाड़ियाँ खा सकता है। कितने घंटे सोता है हाथी? तो हाथी जो है बहुत ही कम आराम करता है, वो केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। ठीक है, 2 से 4 घंटे ही सोता है। इसके अलावा दोस्तों, हाथी को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। बड़े बड़े कानों से गर्मी लगने पर वो हवा कर लेता है अपने ही कानों से। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि 3 माह का जो हाथी का बच्चा होता है उसमें कितना वजन होता है, तो उसमें 200 किलोग्राम या 2 क्विंटल वजन होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर जैसे बोला गया है कि कितने भी सदस्य हो सकते हैं, ये बात मैंने आपको बताई कि ऐसा गलत है, जबकि इसमें निश्चित होता है कि 10 से 12 हथनियाँ और उसके बच्चे ही इसमें रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो ये था आपका हाथी वाला चैप्टर, मैंने पूरा आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर दिया है। आगे चलो अगले क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी नहीं यही ऑप्शन आपको मिले, जो मैंने आपको बताया अगली बार आपके एग्ज़ाम में इनमें से कुछ देखने को बिल्कुल मिल सकता है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ देख सकते हैं, केवल काली और सफ़ेद देखते हैं, या केवल हरे रंग में देख सकते हैं, या केवल लाल रंग में देख सकते हैं, या फिर हर रंग में उनको दिखाई देता है। तो दोस्तों जैसे उल्लू हो गया है ना, चमगादड़ हो गया, ये कैसे हैं जो रात में भी देख पाते हैं? और रात में जो जानवर देख पाते हैं वो केवल सभी वस्तुओं को, चाहे उनका रंग कुछ भी रहा हो, वो उनको सिर्फ काली और सफ़ेद रंग की ही देख सकते हैं। चाहे उसका रंग पीला हो तो उसको काला या सफ़ेद में ही दिखाई देगा। ठीक है, जो रात में जागने वाले जानवर हैं सिर्फ ये 2 कलर देख सकते हैं रात में। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। कोयला और खनिज तेल जलाने के लिए कौन सी गैस निकलती है? जलाने से कौन सी गैस निकलती है जब आप कोयला जलाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। 134 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जिसको हम बोलते हैं, और ये दम घोटू गैस के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी एकदम सही है। भारहीन अपशिष्ट का उदाहरण है धूम्र गैसे, रेचन गैसे, ध्वनि या धूम्र कोहरा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो यहाँ पर आपसे पूछा है दोस्तों, भारहीन अपशिष्ट का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पर आपका सही जवाब है ध्वनि, ऑप्शन नंबर सी। स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी, इनमें से क्या विशेषता है कि वहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु का विकास, या फिर शुष्कता का साम्राज्य, या उच्च वार्षिक तापांतर, या दक्षिणी गोलार्ध में विस्तार का अभाव। तो स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? इनमें सबसे बड़ी विशेषता उसकी होती है उच्च वार्षिक तापांतर देखने को मिलता है स्टेपी जलवायु क्षेत्र में। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम सही है। किसी जगह में फ्लोरा और फना सूचित करता है। फ्लोरा और फौना क्या सूचित करता है? पेड़ पौधे, जीव जंतु को, मछली और पेड़ पौधों को, या फिर जंतु एवं मछलियों को, या पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? ये हो जाएगा आपका पेड़ पौधे और जंतुओं को डिनोट करता है फ्लोरा एवं फौना। आगे चले, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है इनमें से? वायु, तालाब, जल या मृदा। 138 का आंसर करिए, क्या हो जाएगा? पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा गया है उदाहरण क्या है पारिस्थितिकी तंत्र का, तो सही जवाब इसमें हो जाएगा दोस्तों तालाब। ठीक है, कौन जीवीय कारक नहीं है, यानी किसमें जीवन नहीं है, कौन सा इनमें एबायोटिक कंपोनेंट है? पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, जंतु या प्रस्तर। प्रस्तर कहते हैं पत्थर को, तो यहाँ पर डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। प्रस्तर जो है वो अजैविक घटक है या जीवीय कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, इसका क्या उद्देश्य होता है? करके देखो, इसका क्या उद्देश्य होता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, ध्यान से पढ़ो और जवाब दीजिए। दोस्तों करके देखो का इसमें इसलिए ऐड किया गया होता है आपका पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में, ताकि बच्चे प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध करें, यानी स्वयं करके देखें और उसका अनुभव
प्राप्त करें। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए होमवर्क का या दत्त कार्य का, आप जवाब देंगे चारों ऑप्शन को देखने के बाद। तो दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होता है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन में पूछा है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। चिड़ियाघर का भ्रमण क्यों कराया जाता है, उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? चारों ऑप्शन देखो और जवाब दो। 142 का सही जवाब क्या हो जाएगा? वो इसलिए कराया जाता है ताकि शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध हो सके। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का उद्देश्य कौन सा नहीं है आपको चुनना है, फटाफट से देखो चारों ऑप्शन, तब मैं आपको इसका सही जवाब बताऊंगी। बिल्कुल, आप इन चारों ऑप्शन में से जब सी ऑप्शन को देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि इसमें बात की गई है शब्दावली और परिभाषा को याद करने की। तो यही उद्देश्य नहीं होता कि केवल शब्दावली और परिभाषा याद करवाई जाए बच्चों को, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यही उद्देश्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है, नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? ठीक है, तो आपको देखना है नेगेटिव वाली सेंस कौन सा ऑप्शन आपका दे रहा है। ऑप्शन ए, अपना दिन भर का बस्ता लेकर के आना, आप ये कहेंगे बच्चों को जब शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जा रहे हैं, या फिर बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना या अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना, या प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। तो आप देखेंगे लास्ट के तीन बिल्कुल लाजमी है ऐसा बोलना अध्यापक का, लेकिन ऑप्शन ए गलत हो जाएगा कि दिन भर का पूरा बस्ता लेकर के आना। जब भाई आप शैक्षिक भ्रमण के लिए जा रहे हैं तो दिन भर का बस्ता लेकर जाने की तो क्या ही आवश्यकता है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए क्या? अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, या संकल्पनाओं को विस्तृत व्याख्या करने पर अधिक एकाग्रता, या पदों की यथार्थता परिभाषा पर बल देना। तो ये तो आप देख रहे हैं नेगेटिव सेंस आ रही है। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास कराना, सम्मिलित होना, ये तीनों ही गलत है। ऑप्शन एकदम सही है कि बच्चे को अपने आसपास खोजने के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है, ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए, पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। तो बिल्कुल गलत है दोस्तों, ऐसा उद्देश्य नहीं होता है। बी देखो, विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना, तो ये भी इसका उद्देश्य नहीं है। सी देखो, अध्यापकों की आवश्यकताओं को कम करना। और डी ऑप्शन में क्या दिया गया है आपके, शिक्षार्थियों को पर्यावरण को सांकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, यही इसका सही ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है, वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए कार्यकलापों में कौन सा सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा? प्रदूषण वाला टॉपिक पढ़ाना चाहती है तो वो कैसे समझाएगी? देखो, विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाएगी, या फिर परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहेगी, या फिर विशेषज्ञ को निमंत्रित करके भाषण दिलवाएगी, या विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के चार्ट बनवाएगी। तो क्या हो जाएगा 147 का सही जवाब? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा आपका कि प्रदूषित नदी को दिखाने ले जाना, जरूरी नहीं है कि सबके आसपास हो और काफी दूर ना ले जाए। तो यहाँ पर क्या कर सकती है, विद्यार्थियों को प्रदूषण संबंधित समूह पर परियोजना पर कार्य करने के लिए आप कह सकते हैं, बी ऑप्शन सही है। आगे है, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र इनमें से कौन सा है? वन परितंत्र, फसल परितंत्र, अलवणीय जल परितंत्र, या घास स्थल परितंत्र? जवाब दीजिए क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। तो आप पाएंगे इसमें जो फसल परितंत्र है ये
कैसी है, मानव निर्मित है, क्योंकि वन भी आपने देखा हो कई बार अपने आप ही, वो किसी के द्वारा लगाए नहीं गए है, ठीक है, अपने आप बढ़ते चले गए। और घास स्थल भी, घास भी स्वयं उग जाती है, लेकिन फसल जो है वो मानव द्वारा ही कृत्रिम रूप से उगाई जाती है, तो बी एकदम सही है। मृदा परिवर्तन को क्या कहते हैं, अपरदन होना, ह्यूमस होना, या मृदा जनन या जल योजन, क्या कहलाता है मृदा परिवर्तन। 149 का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, मृदा परिवर्तन को हम कहते हैं मृदा जनन, सी ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गमलों में रखे गए घरों में साज सज्जा की सामग्री के कृत्रिम पारितंत्र को हम क्या कहेंगे, यानी आपसे पूछा गया है जो कृत्रिम परितंत्र होता है उसको हम क्या कहेंगे, जैसे कि गमलों में पेड़ पौधे लगाए गए हो उसको हार्वेरियम कहेंगे, एक्वेरियम कहेंगे, हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे, या वीडियो फोन कहेंगे, तो वीडियो फोन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। इसके अलावा बात करें दोस्तों हम, आपने देखा होगा कि घर में क्या होता है, एक ऐसा बॉक्स सा बना हुआ होता है ना, कांच का, और उसके अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे, पानी, और उसमें मछलियाँ होती है ना, उसको हम एक्वेरियम कहते हैं, जो कि कृत्रिम रूप से बनाया गया होता है साजो सज्जा के लिए, ठीक है, बिल्कुल। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ये थे आपके 30 क्वेश्चंस, और इन 30 क्वेश्चंस में से आपका स्कोर क्या रहा वो आपको कमेंट सेशन में बताना है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना भी नहीं भूलना है, और आपको बहुत ही जल्द, यानी आप कल ही समझ लीजिए, एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, तो उसके लिए भी आप तैयार रहिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।